दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर आपका जो क्लेम होता है, जब आप क्लेम फाइल करते हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट मीशो ने किया है, और वो क्या अपडेट है इसी के बारे में थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो ये मेरा मीशो का सेलर पैनल है, और इसमें जो मैं नोटिस पे जाता हूँ, नोटिस के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये वाला नोटिस अगर आपको देखने को मिलता है, इसी के अंदर आप देखेंगे कि ये 24 जून का इन्होंने नोटिस जो है, जितने भी सेलर होते हैं मीशो के, उन सबको ये नोटिस मीशो की ओर से भेजा गया है। अब इसे जो इसकी हेडिंग है, यानी नोटिस जो है, इसमें इम्पोर्टेंट अपडेट टू यूअर क्लेम रिफंड प्रोसेस, यानी कि अब ये क्या करता है कि इम्पोर्टेंट इन्होंने अपडेट टाइम टू टाइम अपने जो पॉलिसीज होती है उसमें ये अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये 24 जून का अपडेट है, मतलब 24 जून आप देखेंगे, 27 जून है, तो 24 जून का इन्होंने ये नोटिस जारी किया है। और ये जो है, जितने भी सेलर्स होते हैं उन सब के केस में होता है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आप जब डिस्पैच करते हैं, कस्टमर को जब डिलीवर्ड होता है, तो कस्टमर जब उसको रिटर्न करता है, यानी कि या तो उसको यूज़ करके रिटर्न कर देता है, या उसकी कोई एसेसरीज उसमें से निकाल लेता है, या उसके बदले कोई रॉन्ग रिटर्न अगर आपको भेजता है, तो उसी का इन्होंने अपडेट किया है। तो अपडेट का मतलब इन्होंने यह होता है कि ये जो चेंजेस हैं, यानी इन्होंने चेंजेस क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो चीज़ भी आप दे इसमें लिखा हुआ है, इफेक्टिव टुडे, यानी कि इनका कहना है कि ये आज से ही, यानी जब इन्होंने नोटिस इशू किया तो 24 जून से ही ये इफेक्टिव हो गया। और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम आपको जो प्रोडक्ट का रिफंड करेंगे वो उसकी फेयर प्राइस जो होती है उस फेयर प्राइस के बेस पे करेंगे, और यहाँ पे होता है कैलकुलेट विद द फेयर प्राइस कैलकुलेटर। तो अब यहाँ पे इन्होंने कि ये मीशो की या कोई सा भी जो मार्केट प्लेस होता है उसकी अपनी इंटरनल कुछ पॉलिसीज होती हैं कि ये जो फेयर प्राइस कैलकुलेटर होता है इसका एक परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज इन्होंने यहाँ कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जो मार्केट में उसकी फेयर प्राइस होती है, फेयर प्राइस का मतलब आपकी सेलिंग जो प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस के साथ ही आपका बैंक में जो सेटलमेंट होता है उसी के बेस पे, यानी कि जो बैंक में आपका सेटलमेंट होता है उसी की जो फेयर प्राइस होती है, यानी कि जो बैंक में आपका सेटलमेंट होता है उससे भी कम अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और वही अमाउंट आपको जो है इसके अंदर क्लेम के अंदर दिया जाएगा। और इसी के साथ में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका क्लेम जो अप्रूव करेंगे, और इसी के साथ जो रिवर्स शिपिंग होती है, यानी अब जो रिवर्स शिपिंग होती है वो आपको कस्टमर रिटर्न के केस में, इसमें जो क्लेम आपको अप्रूव किया जाएगा, रिवर्स शिपिंग आपसे ली जाएगी। फॉरवर्ड शिपिंग का इसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड शिपिंग आपको रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन रिवर्स शिपिंग जो चार्ज होती है वो आपसे इसका पेमेंट लिया जाएगा। और इसका इन्होंने लिखा है कि अब इसका क्या मतलब हुआ है, तो मतलब का इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि जो रिफंड अमाउंट होता है उसके अंदर फॉरवर्ड जो रिफंड अमाउंट जो होता है, सप्लायर का जो पेमेंट होता है, इसका रिफ्लेक्ट आपको जो पेमेंट का आपका सेक्शन देखते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो कैलकुलेशन की जाएगी वो इन्होंने साफ साफ लिखा, कैलकुलेट यूजिंग द ओवर फेयर प्राइस कैलकुलेटर। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेंशन कहीं पर भी नहीं किया है कि फेयर प्राइस कैलकुलेटर का परसेंटेज क्या रहेगा, किस हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा एक वर्ड लिखा है, फेयर प्राइस कैलकुलेटर। तो फेयर प्राइस कैलकुलेटर को भी मैं अभी आपको एज ए एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका जो फेयर प्राइस होता है वो कितना आपको इसमें देखने को मिलता है। और इन्होंने लिखा कि जो रिवर्स शिपिंग कॉस्ट होती है वो इसका पार्ट नहीं होगा, यानी कि रिफंड आपको उसमें नहीं दिया जाएगा। रिवर्स शिपिंग तो आपको मतलब जो भी क्लेम अप्रूव किया जाएगा उसमें से रिवर्स शिपिंग आपसे ली जाएगी। और ये चेंजेस इन्होंने क्यों किया, ये इन्होंने बताया कि जो भी दूसरे जो मार्केट प्लेस होते हैं उसमें कंटिन्यू अपनी जो वैल्यू होती है, कि मार्केट में जो इमेज होती है उसको कंपटीशन का जो दौर होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म जो क्लेम अप्रूव किए जाते हैं, यानी दूसरे का मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो होता है, इनके कंपेटिटिव जो मार्केट प्लेस होते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ अपडेट इसके अंदर किए हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको क्लेम का रेशो भी समझा देता हूँ कि क्लेम जो होता है, अब इसमें फेयर प्राइस कैलकुलेटर जो होता है किस हिसाब से इसमें कैलकुलेट की जाती है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन में दिखा देता हूँ। तो एक क्लेम है मेरा यहाँ पे, अभी हाल ही में आप देखेंगे 22 जून को मैंने इसको जो है क्लेम यहाँ पे इसके अंदर इसका टिकट इरेज किया था, और टिकट इरेज करने के साथ ही आप देखेंगे कि ये क्लेम मेरा अप्रूव हो गया है 1097 रुपये 97 पैसे का।
तो अगर मैं इसकी डिटेल आपको दिखाऊं, डिटेल से मतलब जैसे मैं व्यू दिखाऊं, हालांकि ये 22 जून का है और अपडेट आप देखेंगे 24 जून का नोटिस है, तो 24 जून के बाद में ये 27 जून को आज की डेट में मैंने एक क्लेम फाइल किया है। तो यहाँ पे ये मेरे को यूज प्रोडक्ट मेरे को रिसीव हुआ था उसी का है, और ये भी जो है अभी अंडर प्रोसेस में है, ये भी इसका फाइनल मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला अमाउंट जो होता है ये मेरा अप्रूव हुआ था। इसकी डिटेल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पहले जो ये क्लेम जो मेरा था जब मैंने फाइल किया था, तो पहले मीशो की ओर से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। आप देखेंगे कि मैंने इसको 22 जून को यहाँ पे क्लेम फाइल किया था, यानी इसके लिए मैंने टिकट इरेज किया था, और इरेज करने के साथ ही यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि 24 जून को 2 दिन के बाद में मेरे को रिप्लाई मिला कि जो आपने जितने फुटेज वगैरह शेयर किए हैं वो इसमें कंप्लीट नहीं है, तो इसी वजह से इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। आप साफ साफ यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने साफ ये लिखा है कि हम आपके जो है इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि क्लेम जो होता है आउटर आईडी हैज़ बिन रिजेक्टेड, यानी बेस ऑफ यूर रिव्यू, इन्होंने साफ साफ लिखा कि आपकी जो फुटेज होती है वो कंप्लीट नहीं है, और इनका क्राइटेरिया इन्होंने सारा सारा लिखा कि आपकी फुटेज वगैरह कंप्लीट नहीं है। तो मैंने इनको सिंपली एक लाइन लिखी थी कि वर्स्ट सर्विस, मैंने सिंपल से एक वर्ड लिखा था, क्योंकि मेरे और भी जो क्लेम थे कंटिन्यू इसको रिजेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो मीशो की जो टीम थी उनने इसको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद में आप देखेंगे कि 2 दिन के बाद 26 तारीख को पहले इन्होंने इसको साफ यहाँ पे लिखा कि मिली ये इन्होंने रेस्पॉन्स किया था मेरे को, रेस्पॉन्स करने के साथ ही ये जो क्लेम होता है इन्होंने इसको अप्रूव्ड कर दिया, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आप देखेंगे हैज़ बीन अप्रूव्ड। एक तरफ तो ये मीशो कहता है कि हम आपकी जो फुटेज होता है वो कंप्लीट नहीं है, और जब मैंने इसको कुछ कमेंट किया, कमेंट करने के साथ ही रीओपन के अंदर मैंने सिंपल से एक लाइन लिखी थी, ये 2 वर्ड लिखे, उसके बाद इन्होंने क्लेम को अप्रूव कर दिया, और अप्रूव के अंदर आप देखेंगे अमाउंट कितना हो गया, 1097.97 रुपये। तो ये तो हो गया। अब इसकी अगर फुटेज की मैं बात करूँ तो फुटेज आप देखेंगे कि ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरे को ये रिसीव हुआ रॉन्ग रिटर्न था। अब इसके बदले मैंने क्या भेजा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने जो कस्टमर को भेजा था वो जूस मशीन थी, यहाँ पे आप देखेंगे कि हैंड जो जूस मशीन होती है, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट है वो जो कि मैंने कस्टमर को भेजा था। यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस की मैं बात करूँ तो 1372 रुपये, यानी कि अप्रोक्स 1372 की मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो सेल करने के साथ ही अब मेरा जो क्लेम अप्रूव हुआ, क्लेम आप देखेंगे कितना है, और यहाँ पे फुटेज की मैं बात करूँ तो अगर मैं आपको फुटेज दिखा देता हूँ तो ये वाला जो कंप्लीट, इसके अंदर मैंने आउटर आईडी वगैरह सारा कंप्लीट इसके अंदर देखने को मिलता है। कहीं पर भी कोई भी मैं जो भी मीशो की गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा वीडियो शूट किया है। तो शूट करने के साथ ही जो कंप्लीट ये टोटली रॉन्ग प्रोडक्ट था और कस्टमर रिटर्न ये प्रोडक्ट था। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट मुझे मिला था, अब इसके अंदर रॉन्ग रिटर्न था। रॉन्ग रिटर्न के केस में अब अगर मैं इसको दिखा देता हूँ तो क्लेम मेरा कितना अप्रूव हुआ, 1097 रुपये का क्लेम इन्होंने अप्रूव किया, जो कि एक तरह के ये भी मार्केट फेयर को जो फेयर प्राइस होती है, यानी वो कैलकुलेट क्यों किया जाता है, किस हिसाब से किया जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको सेलिंग प्राइस आपको दिखा दी, सेलिंग प्राइस अप्रॉक्स 1372 रुपये की सेलिंग प्राइस है। अगर ये कस्टमर की ओर से रिटर्न नहीं होता तो उस केस में मेरे का बैंक में सेटलमेंट कितना होता, अगर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं पेमेंट सेक्शन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि पेमेंट्स के अंदर जाके, और इसका जो पेमेंट मुझे रिसीव हुआ था काफ़ी जो, अगर ये कस्टमर की ओर से रिटर्न नहीं आता है तो मैं आपको उसका पेमेंट कितना सेटलमेंट होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि ये 3500 की पेमेंट मुझे इसमें रिसीव हुई थी, और रिसीव होने के साथ ही ये वाला अमाउंट आप देखेंगे। तो इसमें व्यू डिटेल पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट वही है जो कि मैंने आपको दिखाया था, और इसके अंदर मेरा सेटलमेंट कितना हो रहा, 1219 रुपये का। तो यानी अप्रॉक्स आप देखेंगे कि मैं 1372, यानी अप्रॉक्स इसको 1400 रुपये में मैं सेल कर रहा हूँ। सेल करने के साथ ही जो है मेरा सेटलमेंट हो रहा है 1219 रुपये का। तो अप्रॉक्स मोटा मोटी अगर मैं यहाँ पे समझूँ तो दोस्तों 200 रुपये का जो है मीशो ने इसमें डिडक्शन किया है, और बाकी का जो जो अमाउंट होता है मेरे बैंक के अंदर सेटल हो रहा है। तो ये होता कि कस्टमर की ओर से रिटर्न नहीं है तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है रिवर्स शिपिंग। अब शिपिंग चार्ज आप देखेंगे 113 रुपये के यहाँ पे शिपिंग चार्ज इसके अंदर से यो इसमें डिडक्ट किया गया था, केवल शिपिंग चार्ज इसमें डिडक्ट किया। डिडक्ट करने के साथ ही यहाँ पर ये वाला अमाउंट जो सेटलमेंट कितना हो रहा है 1219 रुपये का। तो ये चीज़ हो गई। तो ये 1219 का तो सेटलमेंट हो रहा है, और लेकिन क्लेम जो अगर मेरा अप्रूव किया, क्लेम आप देखेंगे कितना 1000 रुपये का क्लेम यहाँ पर अप्रूव हुआ है। तो क्लेम के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ पूरी डिटेल। तो जैसे मैं व्यू डिटेल पे करता हूँ, और ये ऑर्डर अगर आपको दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर का आईडी जो है इसका पेमेंट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो पेमेंट्स के अंदर आपको पूरी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं पेमेंट्स में जाके और यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी पेस्ट करता हूँ और मैं करता हूँ सर्च।
तो यहाँ पर ये वाला जो अभी क्लेम आप देखेंगे तो यहाँ पे रिवर्स शिपिंग, अब रिवर्स शिपिंग की डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू डिटेल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेल की जो रिटर्न हुआ है और शिपिंग रिटर्न, अब शिपिंग रिटर्न के अंदर कितना होता है 108 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 108 रुपये का जो रिवर्स शिपिंग चार्ज होती है वो इसमें से डिडक्ट किया जाता है। यानी ये जो सेल की जो रिटर्न होती है, कस्टमर को तो पूरा पेमेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि 1250 का जो बैंक में जो सेटलमेंट हो रहा है वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। और होने के साथ ही यहाँ पर जो अब ये कस्टमर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न के केस में जो शिपिंग की जो रिटर्न शिपिंग होती है ये आपसे इसमें डिडक्ट की जाएगी। और जाने के साथ ही जो माइनस का अमाउंट होता है, अब आपके जैसे रिटर्न शिपिंग चार्ज यहाँ पे कितना 173, तो ये 173 जो चार्ज होते हैं इन्होंने जो मेरा सेटलमेंट अमाउंट था उसमें से इसको लेस किया। और लेस करने के बाद में आप देखेंगे कि बैंक के अंदर जो सेटलमेंट हो रहा है यहाँ पे जीएसटी का क्रेडिट ये वाला अमाउंट हो गया और इसके साथ ही 924 रुपये का ये अमाउंट है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो जो अमाउंट मैंने आपको बताया था 1000 रुपये का लमसम का, तो ये इसके अलावा और भी इन्होंने जो चार्ज था वो इसमें ऐड करके फाइनल अमाउंट मैंने आपको दिखा दिया था कि कितना यहाँ पे सेटल हुआ है, 1097 रुपये का पेमेंट यहाँ पे सेटल हुआ है। तो मोटा मोटी दोस्तों आपको ये आइडिया होता है कि अप्रॉक्स फेयर प्राइस कैलकुलेटर जो होता है वो 20%, यानी आपके बैंक में जो सेटलमेंट होता है उसका 20% अमाउंट आपको उसमें डिडक्ट किया जाएगा। डिडक्ट करने के बाद में जो रेस्ट अमाउंट होता है वो आपका क्लेम का जो अमाउंट होता है उसमें ये अप्रूव इसमें करके, और आपके जो पेमेंट का जो पैनल होता है यानी आपका पेमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर ये आपको अमाउंट देखने को मिलता है। तो ये होता है इसका फेयर प्राइस का जो कैलकुलेटर होता है दोस्तों। मैंने ये चीज एक मोटा मोटी आपको आइडिया दिया है कि मीशो के अंदर अप्रोक्स 20% तक का जो होता है कोई भी मेरी जो कॉस्टिंग है, मैं एज ए अभी एक सिंपल मैंने आपको दिखाया था ये वाला जो प्रोडक्ट था इसी की सेल के ऊपर दिखाया। अगर आपको कोई भी इससे कम प्राइस का प्रोडक्ट है तो उसी के हिसाब से इसके परसेंटेज जो होते हैं थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नोटिस के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी इन्होंने जो है फेयर प्राइस कैलकुलेटर का जो है परसेंटेज कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। तो ये इनकी अपनी इंटरनल टीम होती है, इंटरनल टीम की ओर से इसको वेरीफाई किया जाता है। और वो मार्केट प्लेस में जो आपकी सेल प्राइस होती है, सेल प्राइस के साथ में जो बैंक में जो आपका सेटलमेंट होता है उस सेटलमेंट का 10 से 20% तक का जो अमाउंट आपको इसमें से डिडक्ट करने के बाद में अप्रॉक्स आपका 80 से 90% तक का जो होता है अमाउंट आपको सेटल कर दिया जाएगा। अब ये जो नई पॉलिसी होती है उसके तहत, हालांकि इससे पहले भी आप देखते थे कि पहले आपको 100% जो होता है मीशो की ओर से क्लेम अप्रूव किया जाता था, तो उस केस में आपको टोटल रिवर्स और फॉरवर्ड शिपिंग होती है वो दोनों ही इसके अंदर आपको मिल जाती थी। लेकिन अब रेशो अगर मैं दिखाऊँ आपको कि क्लेम का जो रेशो होता है कि कितने परसेंटेज का जो रेशो है ये मीशो आपको अप्रूव करता है, मेरे केस में मैं बता रहा हूँ आपको, क्लेम ट्रैकिंग अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे तो आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे 256 जो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे क्लेम थे 256 में से अप्रूव्ड कितने हुए, आप देखेंगे 69 इन्होंने अप्रूव किए हैं और 10 अभी भी मेरे जो केस ऐसे हैं वो ओपन है। अभी इसमें से कोई अप्रूव होंगे नहीं होंगे डाउटफुल है, क्योंकि मुझे पता है 10 में से अप्रोक्स 2 से 3 क्लेम ही अप्रूव होंगे और बाकी के 6 से 7 क्लेम या 7 से 8 ऐसे क्लेम होंगे जो कि रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो मोटा मोटी आप देखेंगे रिजेक्ट का रेशो जो है 177, अब 177 का जो रेशो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अप्रोक्स 70 से 80%, मतलब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रोक्स 250 मेरे इसमें केस थे, 250 में से मैं बात करूँगा आपके केवल 69 जो केसेस है वो यहाँ पे क्लेम इन्होंने अप्रूव किए हैं और अप्रूव करने के साथ ही बाकी के जो 177 जो क्लेम है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मीशो में जो होता है 60 से 70%, बल्कि 70 से 80% का जो रेशो होता है वो क्लेम रिजेक्ट का होता है। और यहाँ पे क्लेम अप्रूव का जो रेशो मैं बता रहा हूँ 20 से 30% का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कोई भी अगर आपका मीशो पे जो क्लेम अगर आप फाइल करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो उसकी प्राइसिंग जो अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे उसी हिसाब से आप रखें कि जो भी आपको कस्टमर की ओर से अगर रॉन्ग रिटर्न आता है या यूज़ करके या कोई भी अगर एसेसरीज होती है अगर कस्टमर उसमें से निकाल लेता है और क्लेम अगर आप फाइल करते हैं तो अप्रोक्स आप मान के चलिए कि 70% आपके क्लेम
अप्रूव नहीं होंगे और केवल 20% और 30% जो क्लेम होते हैं वो ही मीशो की ओर से अप्रूव किए जाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के आप अपनी जो भी प्राइसिंग होती है अपने प्रोडक्ट की, उसी हिसाब से आप इसमें लिस्ट करें, और लिस्ट करने के साथ ही क्लेम का जो रेशो होता है, क्योंकि ये मेजर इशू होता है यहाँ पे मीशो और फ्लिपकार्ट के अंदर, रिटर्न का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो कस्टमर की ओर से जो रॉन्ग रिटर्न होता है वो और भी इसमें ज़्यादा होता है। तो दोस्तों कभी भी मैं आपके यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी मीशो या फ्लिपकार्ट में, दोनों ही अगर प्लेटफॉर्म होते हैं, इसके अलावा मैं अमेज़ोन की भी बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट होता है तो उसके अंदर आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसके अंदर आपकी रिवर्स शिपिंग, फॉरवर्ड शिपिंग और प्लस आपका अपना कमीशन, ये सारी चीज़ें और इसके साथ क्लेम का जो रेशो होता है उसको भी ध्यान में रख के अपनी प्रोडक्ट जो होता है उसकी प्राइस को आप कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के साथ ही उसको आप लिस्ट करें। बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाया था, ये वाला जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये वाला अगर मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स ये 650 रुपये का प्रोडक्ट मेरे को इसमें मिलता है और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 1375 रुपये का। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे को अगर ये कस्टमर को डिलीवर्ड होता है और होने के साथ ही अगर ये रिटर्न नहीं आता है तो मेरे को एक प्रोडक्ट पे दोस्तों 500 से 600 रुपए का प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें होती है कि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं आप हमेशा अपनी जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें रिवर्स शिपिंग, फॉरवर्ड शिपिंग, क्लेम का रेशो और अपना जो कमीशन होता है, अपना मार्जिन आप हमेशा ऐड करके और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी कैलकुलेशन बिठा के प्रोडक्ट आप इसमें लिस्ट करें। और मेजर इशू क्या होता है कि कस्टमर की ओर से रिटर्न आपको हर प्लेटफॉर्म में देखने को मिलती है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, क्योंकि तीन ही मेन प्लेटफॉर्म होते हैं इंडिया के और इसमें आपको रिटर्न जो होती है तीनों ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।